मिशन चांद्रयान 3 यशस्वी केल्यानंतर आता इस्रोचं पुढचं लक्ष हे गगनयान असल्याचं इस्रोचे प्रमुख एस सोमनाथ यांनी झी मीडियाशी बोलताना सांगितलंय. एक दिवस चंद्रावरील मॅन मिशनही पूर्ण होणार आणि भारतीय चंद्रावर पाऊल ठेवणार असा विश्वास सोमनाथ यांनी व्यक्त केलेला आहे. आमचे प्रतिनिधी प्रणय उपाध्याय यांच्याशी बोलताना त्यांनी हा विश्वास व्यक्त केला आहे. सबसे पहले तो जी न्यूज के सभी दर्शकों की तरफ से आपको इस कामयाबी के लिए बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं. आपने जो मुकाम हासिल किया वो वाकई में देश का माथा गर्व से ऊंचा कर रहा है. थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल ऑफ यू आर प्रेइंग फॉर द सक्सेस ऑफ द मिशन, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट. इसके बाद जो 14 दिन की पूरी मिशन लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अब होने हैं, तो क्या एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए हैं? डेटा आना आपको शुरू हो गया है? अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुए, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट टुडे. सो रोवर के मूवमेंट्स हो चुके हैं, आप लोगों ने ये टेस्ट कर लिया है कि रोवर ठीक से मूव कर रहा है? नो, नॉट एट डन, इट विल बी डन टुडे आफ्टरनून. अच्छा, तो ये जो मूवमेंट्स होंगे इसके साथ चेक किया जाएगा कि ये ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है. बैटरी चार्जिंग हो रहे हैं ना, रोवर को भी सोलर पैनल है, उस सोलर पैनल से उसका बैटरी चार्जिंग हो रही है. तो बैटरी चार्जिंग के साथ साथ पूरा देश जो है वह इस समय सुपर चार्ज्ड है. सर, जिस जगह पर हम पहुंचे हैं उस लैंडिंग साइट की अगर कुछ विशेषता आप बता सकें, क्योंकि हम साउथ पोल के करीब पहुंचे हैं, ये लैंडिंग साइट क्यों चुनी गई? Yes, we have chosen it because that this is a very good location as far as sunlight is concerned. There are no shadows. In the next 14 days, that area will not be shadowed by any hills or mountains across which the sun moves. So it gets into shadow, then temperature will drop very deep and we need to put heaters, too much energy will be spent. So that is one area. Second is this near to the South Pole, so we have more scientific content from the point of view of the instruments that we have put on board. Sir, जिस समय कल आप अपनी टीम के साथ में जुबिलियेशन में थे, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपको फोन कॉल किया था, आपसे बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा? और उन्होंने कहा कि आपका नाम तो वैसे ही चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, सोमनाथ. आप सब सुना है ना जो बात उन्होंने बात किया, सो सब सोशल मीडिया में आए, सो वी वर वेरी हैप्पी. आई ओनली सेड थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट. तो क्या उसके बाद भी आपकी बात हुई है या प्रधानमंत्री की यहाँ आने की अपेक्षा की जा रही है, तो उसके लिए क्या स्पेशल तैयारियां यहाँ पर हैं? अगर आए तो हमने जो तैयारी किया है कि हम जो कुछ एग्जीबिशन करें, हमने कैसे चंद्रयान 3 बनाए, उसके बाद उसके जो लीडर्स है, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, मिशन डायरेक्टर है, सेंटर डायरेक्टर है, उस सबको परिचय करें. और जो हमारे ये प्रोसेस हम कैसे ये कंट्रोल करते हैं, सबको उसको उनको एक्सप्लेन करें. सर, चांद के बाद अब इसरो की नजर सूरज पर है, आदित्य L1 मिशन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, इसके आगे के जो फ्यूचर मिशन हैं उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें. आदित्य के बाद हम जो करेंगे जो और इनसैट 3DS है, ये इनसैट 3DS है क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, हमको जो पता है हमारे क्लाउड कवर और रेन इन्फॉर्मेशन और वेदर इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम दिस सैटेलाइट. इसके बाद हमने जो SSLV D3 क्या लॉन्च करेंगे, और NISAR सैटेलाइट है, NASA इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, हमारे नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में लॉन्च करना पड़ेगा. या गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे, पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी. तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान को? श्योर वी विल बी एबल टू रीच. सर, कल पूरे देश ने खास पार्टी की है, आपने पार्टी की है नहीं की? हमको काम है, या पूरा नाइट हमने काम किया है. कल पूरी रात आप लोग काम करते रहे. एक आखिरी मैसेज के तौर पर, पूरा देश आपको देख रहा है, एक मैसेज अगर आप कहना चाहें कि क्या यहां से आगे, सितारों से आगे जहां और भी हैं? हम जाएंगे, भारतीय वहां एक दिन चंद्रमा पर और पैर उठेंगे, या क्या ऐसा बोलना अच्छा नहीं है. तो हम और एस्ट्रोनॉट्स है जो गगनयान में जाएगा, और हमने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज आप बनाते हैं इसके तरफ से, और हमारे जो गाइडेंस प्रोग्राम है मून जाने तक का, इसके वजह से हमको एक दिन इंडियंस विल गो टू मून. यानी आप भारत के आदमी को चांद पर लेके जाएंगे, ये तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है, और गगनयान प्रोग्राम है. हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो आप सुन रहे थे खुद डॉक्टर एस सोमनाथ को, जिनका कहना था कि अभी मुकाम और भी हैं, और एक दिन आएगा जब भारतीय वाकई में चांद पर कदम भी रखेंगे और तिरंगा भी लहराएंगे. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे 24